जो सोच सकता है, समझ सकता है, एनालाइज कर सकता है, वो अपनी जिम्मेवारी को निभाएगा। और उसकी जब जब सरकार ने छात्र विरोधी फैसले लागू किए कि वो छात्र विरोधी फैसलों को वापिस ले, वरना सरकार सत्ता में दोबारा नहीं आ पाएगी। जो भी साथी है, और ये बड़ा शर्मनाक, अभी 3 दिन पहले जो हमने देखा कि दिल्ली के अंदर किसान आ रहे हैं, अपनी बातचीत कर रही है, ये बड़ा शर्मनाक है साथियों, कि आज देश भर के अंदर चाहे वो छात्र समुदाय हो, किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, महिला हो, अभी अपने बीच में अपने हरियाणा के किसान सभा के अक्षर पूरे प्रदेश भर के अंदर, और उसके बाद भी असल में तो 96 तक जब चुनाव चले SFI की तुत्ती बोलती थी, 77-78 के अंदर आंदोलन चला कि विद्यार्थियों को रियायती दर पर बस पास की सुविधा, और आज तक विद्यार्थी सुविधा का लाभ ले रहे हैं। साथी विक्रम, हमारे दौर के विद्यार्थियों की बहुत ही अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इशार है, उसके प्रेसिडेंट बने। हमारी जो यहाँ पे राज्य सम्मेलन है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का, उसके उपलक्ष में यहाँ पे आम सभा है, जिसके माध्यम से हम तो सरकार की शिक्षा की, निजीकरण की, व्यवसायीकरण की और सांप्रदायिकरण की नीतियाँ हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो छात्र हैं, समाज का अभिन्न हिस्सा हैं, उनके जो जनवादी अधिकार हैं उनको बहाल किया जाए। जिस तरह से हरियाणा की राज्य सरकार स्टूडेंट काउंसिल वर्सेस स्टूडेंट यूनियन के खेल के अंदर छात्रों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है, जनाब के नाम के ऊपर नॉमिनेटेड के जरिए पिछले दरवाजे से हमला कर रही है जनवादी अधिकारों के ऊपर, वो हरियाणा का छात्र समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। डायरेक्ट चुनाव, स्टूडेंट यूनियन के चुनाव, स्टूडेंट यूनियन के जरिए स्टूडेंट काउंसिल का गठन, जो छात्रों की मांग है, ताकि वो अपने बोर्ड के माध्यम से, अपने बोर्ड के जरिए अपने आप को और अपने नुमाइंदे को चुन पाए, जिसका सही मतलब जनवाद है, उस मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दरअसल ये दर्शाता है जो हमारी सरकार का सामंती चरित्र है, जहाँ पर वो जनवाद के खिलाफ है, जनवादी मूल्यों के खिलाफ है, जिसके लिए भाजपा पूरे भारत के अंदर कुख्यात है, जनवादी आंदोलन को खत्म करने के लिए, जनवादी मूल्यों को खत्म करने के लिए ये उसका चरित्र बताता है। खुद तो चुनकर आए हैं, लेकिन छात्रों से उनका वोटिंग राइट छीन रहे हैं। हम ये बिल्कुल बता देना चाहते हैं, डायरेक्ट चुनाव के ऊपर कोई भी समझौता नहीं होगा। अगर डायरेक्ट चुनाव नहीं होगा तो पूरे हरियाणा के अंदर छात्र समुदाय इस चुनाव का बायकॉट करेगा। हम जो भी काउंसिल वो बनाने की कोशिश करेंगे, वो छात्रों की काउंसिल नहीं होगी, वो सरकार की काउंसिल हो सकती है, और पूरे प्रदेश के अंदर एक तीव्र और तीखा आंदोलन अपने हक हकूक को छीनने के लिए छात्र करेंगे। पिछले दिनों में भी जो पूरे आंदोलन हुए वो सामूहिक तौर पर हुए हैं। पिछले कल भी चंडीगढ़ में हमारे राज्य नेतृत्व की बाकी छात्र आंदोलन संगठनों के साथ बातचीत हुई है, और पूरे छात्र संगठन सरकार के पिछलग्गू संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को छोड़कर सब लोग इस बात पर एक मत हैं कि इकट्ठे होकर लड़ेंगे, सारे झंडे एक तरफ रखे, अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए, अपने जनवादी अधिकार को बचाने के लिए हम लोग इकट्ठे होकर पूरे हरियाणा के अंदर लड़ाई लड़ेंगे।